हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा टाइटल पढ़ के। तो आज मैं आपको बताऊंगी जर्मनी में क्या रेट्स होते हैं प्रिंट आउट के, फोटो कॉपी के, और आपको अगर पोस्ट भेजना है तो उसके क्या प्राइजेज होते हैं, क्योंकि आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट भेजना है। एंड अटेस्टेशन के भी यहाँ पर प्राइज़ लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो पहले मैं जा रही हूँ राट हाउस, एंड मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, तो इसीलिए पहले राट हाउस चलते हैं। पहले मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराऊंगी, एंड देन मैं मतलब शॉप पे जाऊंगी पोस्ट कराने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं पहले राट हाउस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं बनाती हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट जर्मनी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, मैं ऑफिस से भी आई हूँ। तो आगे मिलते हैं। तो गाइज, मैं राट हाउस जाने से पहले ना स्पारकाजा के एटीएम आ गई थी। स्पारकाजा एक लोकल बैंक है जर्मनी में, तो ये जनरली सबके पास होता है, हर सिटी में अवेलेबल होता है। और जब एटीएम में आप कैश विड्रॉल करोगे ना, तो आप इंग्लिश में भी इसको कर सकते हो, अगर आपको जर्मन नहीं आती, इंग्लिश का भी ऑप्शन होता है। तो ठीक है, फिर वीडियो में बने रहो आगे तक। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ राट हाउस पे। राट हाउस का मतलब होता है, ये हर सिटी में एक टाउन हॉल होता है, सिटी हॉल भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे जितने भी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना है, जितने भी आपको मतलब ऐसे वर्क कराना है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिशियल वर्क्स, तो ये यहाँ पे होते हैं। लाइक एड्रेस चेंज कराना है, कुछ भी कराना है, तो यहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वही, इसीलिए जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजना है, एक्चुअली वो मेरे काम से रिलेटेड है, जर्मनी में जॉब करती हूँ, तो एक्चुअली उससे रिलेटेड है वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ से मुझे अटेस्टेशन चाहिए, एंड देन मेरे को वहाँ पर भेजना है जहाँ पर मेरी काउंसिल है। तो आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे है राट हाउस, ये उसकी बिल्डिंग है, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। तो ये मेन सिटी सेंटर के साइड में ही है, जो मेन सिटी सेंटर है, तो यहाँ आगे से मतलब मेरे सामने से है सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर से आई थिंक 5 मिनट की दूरी पर है ये। तो देन चलो फिर अंदर चलते हैं, जल्दी से करवा लेते हैं। पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा, बट मुझे आज ही पोस्ट भेजना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बहुत लेट हो चुका है। तो ठीक है, कर लेते हैं पहले काम, तो फिर आगे फिर आपसे बात करती हूँ। चुकी हो पोस्ट कराने के लिए, तो यहाँ पे एक लोकल शॉप है, तो वहाँ से पोस्ट हो जाता है, मतलब ये पोस्ट की शॉप है। तो एंड स्टेशनरी मिलती है यहाँ पे, तो मैं वहाँ आ चुकी हूँ, तो यहाँ से पोस्ट करा लेती हूँ। और मैंने एटेस्ट ऑलरेडी करा लिया है राट हाउस से, तो देखते हैं कितने रुपए लगते हैं, तो आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं अब अंदर। आप देख चुके हैं, मैं घर पे आ चुकी हूँ, मैं किचन में खड़ी हूँ, एंड ये रहा सामान जो मैं लेकर आई हूँ, सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हो, मैं पिज़्ज़ा खरीद के लाई हूँ, दूध, मतलब जो रेगुलर मेरी ग्रॉसरीज होती है, एंड बहुत थक गई हूँ, जान नहीं बची। तो जर्मन में बोलते हैं इश हाबा हॉइट आलस के शाफ्ट, पूरा मेरा पसीना निकल गया भागा दौड़ी में, बिकॉज ऑफिस से आई, तो मैंने मतलब उसके बाद ही मैंने शुरू कर दिया था जाना। जस्ट ऑफिस से मैं आई थी, तो मैं पहले राट हाउस गई, वहाँ पे टेस्ट कराया, फिर उसके बाद वो, तो छोड़ो, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास एनवेलप भी था पहले से, और मैंने फोटोकॉपी अपने ऑफिस से करा ली थी फ्री में, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, वरना मुझे बहुत सारे चक्कर इधर उधर मतलब मारने पड़ते, क्योंकि जो शॉप है फोटोकॉपी की, वो राट हाउस से थोड़ा दूर है, मतलब उन दोनों के बीच में लगभग 15-20 मिनट का डिस्टेंस है, तो फिर मतलब काफ़ी टाइम लग जाता। एंड 4 बजे तक ही राट हाउस मतलब खुला रहता है, तो अभी आप देख सकते हो 4 बज रहे हैं घड़ी में, 4:10 हो रहे हैं।
तो गाइस भूख से पेट में चूहे कूद रहे, मैं दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। तो पहले नहा लेती हूँ फटाफट से, फिर पिज़्ज़ा मतलब बना लेती हूँ। मतलब बनाना तो कुछ नहीं है, बस ओवन में रखना है। यहाँ पे एक्चुअली फ्रोज़न पिज़्ज़ास मिल जाते हैं तो वो रख लूँगी, एंड देन उसके बाद आप लोगों से प्राइजेस एंड ऑल डिस्कस करती हूँ, चिट चैट करती हूँ थोड़ी सी। तो मिलती हूँ फिर आगे। तो गाइज मैं अभी अभी नहा के आ गई हूँ, आप देख सकते हो अलार्म बज रहा है मेरे पीछे, बिकॉज मैंने अलार्म लगा दिया था, पिज़्ज़ा रख दिया था। तो 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं देखती हूँ मेरा पिज़्ज़ा हो गया रेडी कि नहीं। तो लेट्स सी। गाइज मैं अपना पिज़्ज़ा लेके बैठ चुकी हूँ, एंड मैंने सॉस भी ले लिया है, तो खाऊंगी अब, बहुत तेज़ की भूख लगी है। सो देखो ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा होता है, ये लगभग आपको मिल जाएगा, ये 2.5 यूरो से स्टार्ट होके 4 यूरो तक का मिल जाएगा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा। तो ये फ्रोज़न होता है, आप इसको लाओ एंड इसको थोड़ा सा ओवन में 15 मिनट तक, मतलब उसमें लिखा रहता है कितने मिनट तक आपको रखना है, कितनी हीट पे रखना है। तो आई थिंक 15 मिनट से 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने, इसमें मोड्स होते हैं, तो एक एयर वाला मोड होता है, अंडर एयर उमलुफ्टन कहते हैं जर्मन में, पता है मेरे को इंग्लिश में नहीं पता, बिकॉज मैं घर पर ओवन यूज़ नहीं करती थी, तो उस पर मैंने रखा था। तो ये तैयार हो गया मतलब, एंड बहुत ही कॉमन है जर्मनी में, मतलब बहुत सारे फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलते हैं, पिज़्ज़ास मिलते हैं, इवन फ्रूट्स भी होते हैं, तो मतलब लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा इलाका है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, इम्पोर्ट भी होती है बट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग फ्रोज़न फॉर्म में मतलब रखते हैं, क्योंकि ठंडा होता है काफ़ी टाइम तक, तो जो गर्मियों में चीज़ें होती है तो काफ़ी मतलब जैसे ठंडियों में भी उसको यूज़ कर सके, दूसरे सीजन्स में भी उसको यूज़ कर सके इसीलिए। एंड तो हाँ मैं आज गई थी अपना ये सब काम करवाने। बहुत टेस्टी है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो मुझे पिज़्ज़ा एकदम ये वाला पसंद नहीं था, क्योंकि हम डोमिनोज में या पिज़्ज़ा हट में खाते थे तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता था, और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा होता है यूरोप का पिज़्ज़ा या इटली का पिज़्ज़ा, तो उसका टेक्सचर उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है, ऑथेंटिक मतलब उसका टेस्ट होता है। हम लोग तो फिर भी मसाले मसाले डाल के इंडियन बना देते हैं ना उस चीज़ को, तो मेरे को पहले बहुत वियर्ड लगता था इसका टेस्ट, मतलब ऐसा लगता था कच्चा कच्चा है, मतलब शुरू शुरू में तो मेरे को पकाना भी नहीं आया, कितने पे रखना है क्या रखना पता नहीं चलता है ना आप न्यू न्यू जगह पर अगर जाते हो तो, बट अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब सही लगता है। तो वैसे तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, कभी कभार ही खाती हूँ, वैसे मैं कुक करती हूँ, बट मतलब उसके लिए सही है कि टाइम नहीं है बिजी हो तो उसके लिए ऑप्शन काफ़ी सही है ये। एंड इवन इसका जो ग्रेडिंग था, मतलब मिलती है ना फूड ग्रेडिंग, तो इसका बी था, इतना गंदा भी नहीं था, तो काफ़ी मतलब अनहेल्दी भी नहीं है मतलब। और इसमें स्पिनच वाला है, इसमें स्पिनच है और इसमें दो टाइप की शायद चीज़ डली हुई है जो मैं पिज़्ज़ा लाई थी ना, तो काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है टेस्ट इसका। अगर मैं रेट करूँ 5 में से तो 4 करूँगी, मतलब मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ बट स्टिल अच्छा है। तो गाइस सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने पहले खा लिया, एंड अब बात करते हैं अटेस्ट की। तो अटेस्ट के लिए कितने पैसे लगते हैं, मतलब एक पेज को अटेस्ट कराने के लिए, तो मैंने करवाए थे लगभग 5 पेज आज, और एक पेज को अटेस्ट करने के लिए मतलब 4.2 यूरोज़ लगे, एंड टोटल मेरा हुआ 21 यूरो प्राइस, मतलब सिर्फ 5 पेजेस को अटेस्ट कराने के लिए। आई थिंक आगे पीछे दोनों था, किसी किसी में, और कोई कोई सिंगल भी था, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक वो सेम ही पड़ता है, चाहे आप वन साइड कराओ चाहे डबल साइड कराओ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एंड इसका था
आप लगा लो कितना महंगा है, 4.2 यूरोज यार। मतलब लूट ही दिया इन लोगों ने, तो लूट ही डाला मेरे को आज। मतलब लूट मच रखे है यहाँ पे जर्मनी में, सीरियसली। आपको पता है, एंड यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे प्रिंट आउट्स के, स्टेशनरी के एंड फोटो कॉपीज के, मतलब जो भी ये स्टेशनरी से रिलेटेड या फिर पेपर रिलेटेड जो वर्क होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव है जर्मनी में। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में प्रिंटर ले लेते हैं अपना, ठीक है, खुद का प्रिंटर, ताकि जितने भी पेजेस, क्योंकि हमेशा उनको ज़रूरत पड़ती है प्रिंट कराने की, तो वो खुद ही घर पे कर लें। बट एक्चुअली मेरे साथ क्या है, मैंने भी सोचा था कि प्रिंटर एक मैं ख़रीद लूँ, बट मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, मतलब प्रिंट आउट निकालने की या कुछ भी, बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। मतलब मान लो साल में हम 2-4 बार 5 बार कर रहे हैं, तो फिर मतलब उससे बढ़िया है कि आप शॉप पर जाके ही करवा लो, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। बट ये लोग फिर भी अपने घर पे लाके रखते हैं प्रिंटर, और प्रिंटर भी महंगा आता है, बड़ा होता है साइज़ में, फिर अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो इधर से उधर उसको लेकर जाओ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है फिर उसके साथ। तो गाइज़ बात करते हैं पोस्ट भेजने की। तो जो मैंने पोस्ट भेजा था, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, तो जो नॉर्मल पोस्ट का प्राइस होता है, जो नॉर्मल जाता है, तो वो होता है 1 यूरो, 1.6 यूरो, 1 यूरो 60 सेंट्स। और मैंने भेजा है जो फास्ट वाला, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, तो वो मेरा गया 4.5 यूरो में। तो ये यहाँ का नॉर्मल प्राइस है अगर आपको पोस्ट भेजना है कहीं पे भी। और DHL है यहाँ का लोकल, तो मैंने DHL से भेजा था। इंडिया में भी आप लोग जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, तो वही। तो 4.5 यूरो भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा, मतलब ट्रैकिंग करने के लिए, बिकॉज मेरे मतलब कुछ ही डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा भी नहीं थे, कुछ पेजेस ही थे, बट यहाँ पे यही प्राइस है। एंड गाइज, फोटो कॉपी का प्राइस है एक पेज का 0.27 सेंट्स, जो A4 शीट का होता है, आप देख सकते हो। मैंने फ़ोटो ले ली थी, तो यहाँ पे जर्मनी में शॉप होती है DM है उसका ना, वहाँ पे आराम से आपकी फ़ोटो कॉपी हो जाएगी। एंड ये शॉप हर सिटी में अवेलेबल होती है, तो प्रिंट आउट्स भी हो जाएंगे, उसके भी सेम प्राइजेज ही होते हैं। बट ये अच्छी बात है कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है, मतलब जो भी पेपर वर्क होता है बहुत टाइम लगता है, बट आपके डॉक्यूमेंट्स गुम नहीं होंगे। एंड मतलब जितना भी टाइम लगा, बट आपका प्रोसेस मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ये अच्छी बात है। बट फिर भी मतलब अगर आप नए नए आओगे ना, तो आपको बहुत इरिटेशन होगी। तो अगर आप आ रहे हो जर्मनी, तो इसकी आदत डाल लो पेपर वर्क की। मतलब ऑनलाइन यहाँ पे बहुत मुश्किल से आपको चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादातर यहाँ पे पेपर वर्क ही होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सब थोड़ा सा यहाँ का मतलब कॉन्स है यहाँ के, बट बहुत सारे उसके साथ साथ प्रोज भी हैं। तो यार ये तो हर जगह ही होता है ना, एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, तो ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इसीलिए, बट ये है कि इंसान एडजस्ट हो जाता है अगर जहाँ पे रहता है, तो फिर आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए मेरे को भी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल आदत नहीं थी। इंडिया में तो आपको पता ही है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, एंड आजकल डिजिटलाइजेशन इतना है कि हर चीज़ मतलब ऑनलाइन हो रही है, इवन पे हो गया, कुछ हो गया। यहाँ पे इवन आपको पे भी बहुत मुश्किल से ऑनलाइन मिलेगा विद कार्ड के साथ, वरना आपको हमेशा मतलब पैसे लेके घूमना पड़ेगा अपने साथ। तो ये हो गई कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्स्ट्रा। तो गाइज चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी सी भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की यूज़फुल लगी हो। तो अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अब शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी लाइट ऑन नहीं करी है, ये नॉर्मल। तो गाइज ये बिल्कुल नेचुरल लाइट है, एंड शाम हो चुकी है, एंड कल मुझे मॉर्निंग शिफ्ट जाना है। तो अब कुछ नहीं, बस पिज्ज़ा तो मैं खा चुकी हूँ ऑलमोस्ट, वैसे बचा हुआ है अभी, तो देखती हूँ बाद में, मे बी मैं डिनर बनाऊँ एंड खा के फिर सो जाऊँगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।